दोस्तों, समुंदर से मुकाबला करना किसी के बस में नहीं होता, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे जो हादसाती तौर पर 438 दिन अकेले ब्यारो मददगार समुंदर की गहराइयों से लड़ा और जिंदा बच जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में इंसानों के साथ बहुत से अजीबोगरीब हादसात रोनुमा हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की कोई हकीकत में क्या हुआ मैं भी नहीं सोच सकता। तो शुरू करते हैं उस शख्स की दास्तान और ये सब कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर जिसे पैसिफिक ओशन या बहरुल काहल कहा जाता है, ये जमीन के टोटल रकबे का एक तहाई हिस्सा है। ये समुंदर इतना बड़ा है, इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि अगर कोई शख्स नॉर्थ चिली के किनारे से गहरा गड़ा खोदना शुरू करे और वो दुनिया के दूसरे किनारे से बाहर निकल जाए तो तब भी वो बहरुल काहल को पार नहीं कर पाया होगा। दोस्तों, समुंदर का सबसे गहरा हिस्सा जिसे मरियाना ट्रंच कहते हैं, ये 11 किलोमीटर लंबा है और ये भी पैसिफिक ओशन में ही शामिल है। सोचें, अगर गलती से आप इस समुंदर के बीचों बीच फंस जाएं तो आपको ना तो कोई मदद मिलने की उम्मीद है और ना ही जिंदा रहने की। लेकिन सिर्फ एक बात की गारंटी है कि आपको कोई भी कभी ढूंढ नहीं पाएगा। साल्वाडोर अल्वरिंगा, ये 37 साल शख्स मैक्सिको के एक गांव कोस्टा अजूल में रहता है और मछलियां पकड़कर मार्केट में बेचना इसका पेशा है। 18 नवंबर 2012 से दो दिन पहले हमेशा की तरह अल्वरिंगा ने अपने दोस्त और पार्टनर रे पारेज के साथ फिश पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन शायद कुदरत ने रे पारेज को इस इम्तिहान से बचाना था, इसलिए रे पारेज ने आखिरी लम्हे में जाने से माजरत कर ली। अल्वरिंगा फिश पकड़ने जाना चाहता था जिनको बेचकर वो अपने आने वाले कुछ दिनों का गुजारा कर सके, क्योंकि समुद्र में तूफान भी आने वाला था। इसलिए अल्वरिंगा ने कार्डोबा नामी एक 22 साल नौजवान फुटबॉल प्लेयर जो कुछ पैसे कमाना चाहता था को $50 में अपने साथ जाने के लिए आमादा कर लिया। अल्वरिंगा की कश्ती 7 मीटर लंबी थी जिसका एक ही इंजन था। कश्ती की कोई छत नहीं थी और अल्वरिंगा ने अपने दो दिन की जरूरत का कुछ सामान जमा किया जिसमें पानी, इंजन ऑयल, एक पुराना रेडियो, फिश स्टोर करने के लिए बर्फ और कुछ दूसरा सामान शामिल था। अल्वरिंगा ने कार्डोबा के साथ 18 नवंबर 2012 की अर्ली मॉर्निंग अपना सफर शुरू किया और तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जाकर मछलियां पकड़ते रहे और अगले दिन सुबह होने से पहले वापसी का सफर शुरू कर दिया ताकि समुद्री तूफान आने से पहले वो मैक्सिको कोस्टा अजूल पहुंच जाएं। लेकिन अभी वो जमीन से 2 घंटे की मुसाफत और तकरीबन 24 किलोमीटर दूर ही थे कि बदकिस्मती से कश्ती का इंजन ने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया और बंद हो गया, जो फिर दोबारा स्टार्ट ना हुआ। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। अल्वरिंगा ने अपने दोस्त विली को रेडियो से फोन मिलाया और अपनी सिचुएशन बताई। विली ने अल्वरिंगा को मदद के लिए आने तक कश्ती को लंगर बरदार करने को कहा, लेकिन कश्ती में लंगर मौजूद नहीं था। विली, मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी आ जाओ, अल्वरिंगा के आहरी अल्फाज थे रेडियो पर। उसके बाद रेडियो की बैटरी डेड हो गई। समुद्री लहरें तेज और ऊंची होती जा रही थी और कश्ती बहुत ज्यादा हिल रही थी क्योंकि कश्ती में 500 किलो मछलियां और तकरीबन 90 किलो बर्फ मौजूद थे। अल्वरिंगा ने फौरी फैसला किया और शिकार की हुई मछलियों को समुन्द्र में फेंकना शुरू कर दिया। कश्ती का वजन मजीद कम करने के लिए बर्फ और गैसोलीन और कुछ दूसरा वजनी सामान भी बाहर फेंकना शुरू कर दिया क्योंकि अल्वरिंगा यही सोच रहा था कि उसका दोस्त विली कुछ देर में मदद के लिए उन तक पहुंच जाएंगे। अल्वरिंगा और कार्डोबा एक टीम की तरह काम कर रहे थे। तूफान की वजह से कश्ती में जो पानी बढ़ता जा रहा था वो बाहर निकालते रहे। सूरज के डूबने के साथ साथ उनके हौसले भी डूब रहे थे क्योंकि ना तो उनके पास अब रेडियो था और ना GPS और ना ही दूर से इशारा देने वाली फ्लायर गन। तेज हवा और ऊंची लहरें कश्ती को जमीन से दूर धकेल रही थी और देखते ही देखते सामने नजर आने वाली जमीन दूर होती गई। ये 5 दिन तक ना रुकने वाले तूफान का पहला दिन था। अब दोपहर हो चुकी थी, कोई अल्वरिंगा और कार्डोबा की मदद के लिए नहीं आया था। विली ने जो इमदादी टीम रवाना की थी वो इन दोनों को ढूंढती रही लेकिन वो इन तक ना पहुंच सके। 5 दिनों में समुद्री लहरों और तेज हवाओं ने कश्ती को जमीन से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। खाने पीने का जो सामान सफर में अपने साथ लाए थे वो अब खत्म हो चुका था। अब खाने के लिए उनको मछलियों और परिंदों का शिकार करना पड़ता था। समुद्री पानी वो पी नहीं सकते थे, इसलिए कछुए का खून और यहाँ तक के अपना पेशाब भी पीना पड़ता था। वक्त गुजरता गया, घंटे दिनों में और दिन महीनों में बदल गए। अल्वरिंगा और कार्डोबा तन तनहा बहरुल काहल के समुद्र के बीचों बीच थे। जिस दिन बारिश होती उस दिन उनके लिए जश्न का समा होता क्योंकि उस दिन वो मुख्तलिफ प्लास्टिक की बोतलों में मीठा पानी जमा करके पीते जो किसी नेमत से कम ना होता। कुछ महीनों बाद कार्डोबा कच्चा गोश्त खाने से बीमार पड़ने लगा और दोबारा जमीन पे वापस जाने की उम्मीद छोड़ने लगा। अल्वरिंगा ने कार्डोबा को बहुत समझाया और उम्मीद दिलाई लेकिन अब वो हिम्मत हार चुका था और तकरीबन 4 महीनों बाद बीमार पड़ने की वजह से फोत हो गया। अब तपते सूरज और ठंडी और खौफनाक काली रातों में अल्वरिंगा अकेला था। उसका साथी कार्डोबा जिंदगी की जंग हार चुका था। अल्वरिंगा जानता था कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है और अगर
एक सिमत में जाता रहा तो एक ना एक दिन जमीन पे जरूर पहुंचेगा। अलवरिंगा को समुद्र में तकरीबन 11 महीनों का वक्त गुजर चुका था और तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर कर चुका था। समुद्र के इस हिस्से में बहरी और हवाई जहाज महीनों और सालों में कभी कभार गुजरते थे और उनकी कश्ती इतनी छोटी थी कि दूर से नजर नहीं आ सकती थी। लेकिन एक दिन वहां से एक कार्गो शिप गुजरा और खुशकिस्मती से कुछ लोगों ने अलवरिंगा को देख के हाथ भी हिलाया, लेकिन वो उसकी मदद के लिए नहीं रुके। दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचें, अलवरिंगा पे क्या गुजरी होगी जिसको 11 महीनों बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई हो। लेकिन अलवरिंगा मजबूत असाब का मालिक था, इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 230 जनवरी 2014 की सुबह अलवरिंगा नींद से उठा। उसने अपने इर्द गिर्द कुछ परिंदों को उड़ते हुए और पानी में कोकोनट के शेल को तैरते हुए देखा तो वो समझ गया कि जरूर पास कोई जजीरा है। तकरीबन दोपहर तक अलवरिंगा जजीरे तक पहुंच गया और उसने खुशी से पानी में छलांग लगाई और मुश्किल से तैरते हुए जमीन तक पहुँच गया। अलवरिंगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि अलवरिंगा 438 दिन और तकरीबन 11000 किलोमीटर सफर करने के बाद इबोन अटोल नामी इस छोटे से आबाद जजीरे पे पहुंच चुका था। अलवरिंगा का जिस्म कमजोर हो चुका था, कपड़े गल कर फट चुके थे। काफी देर रेत पर लेटने के बाद उठा और पास ही मदद तलाश करने लगा। अलवरिंगा को कुछ लोग मिले जिन्होंने उसकी मदद की और उसका इलाज करवाया। अलवरिंगा ने मॉस्को रापता किया और गवर्नमेंट की मदद से वापस अपने कंट्री और अपनी फैमिली के पास पहुंच गया। दोस्तों अलवरिंगा की परेशानियां यहां पे खत्म नहीं होती। अलवरिंगा ने वापस आकर एक किताब लिखी और कार्डोबा की फैमिली ने अलवरिंगा पे केस कर दिया कि उसने जिंदा रहने के लिए अपने दोस्त कार्डोबा को खा लिया है और अलवरिंगा को लीगली कार्डोबा की फैमिली को $1 मिलियन देने पड़े। दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचें, अगर बदकिस्मती से अलवरिंगा इबोन अटोल ना पहुंच पाता तो उसको दूसरे जजीरे फिलीपींस तक पहुंचने के लिए मजीद 5000 किलोमीटर सफर करना पड़ता जिसके लिए 240 दिन दरकार थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको अलवरिंगा की स्टोरी और कौन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की ख्वाहिश रखता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों से शेयर कर दें। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं दुबई स्टूडियोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।